नमस्कार दोस्तों, अनिल चौहान और मेरे साथ मेरा भाई अमित जी यहाँ कवरेज के लिए आए। हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर चेयरमैन पद हेतु हमारे जींद से श्रीमती संतोष बेनीवाल जो कि रिटायर्ड अध्यापिका हैं, यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है और इनके बेटे टू टाइम यहाँ से एमसी रह चुके हैं प्रवीण बेनीवाल। तो मेरा यहाँ मौका मिला आज अर्बन स्टेट के अंदर इनके प्रस्थान पे, इनके कार्यालय पे। मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, इनका कार्यालय भी दिखाएं। और मेरा यहाँ से इन सभी से अनुरोध भी है कि सभी चीज को कवर करके इस मीडिया तक पहुंचाएं। और ये प्रवीण बेनीवाल बहुत बढ़िया एक यहाँ से एमसी भी रह चुके हैं, लोगों ने इनकी तारीफ भी की। मैं जहां जहां कवरेज करने गया तो मैं इनसे रूबरू होना चाहूंगा। प्रवीण बेनीवाल जो कि एमसी टू टाइम एमसी रहे, यहाँ से मैं प्रवीण बेनीवाल को यहाँ पर इनके जो सपोर्टर हैं यहाँ खड़े भी हैं। और मैं इनसे प्रवीण जी से मैं कुछ आपको रूबरू कराना चाहूंगा। न्यूज 70 की तरफ से हमारे प्रवीण बेनीवाल जी हमारे बीच में हैं। तो आज ये चेयरमैन पद हेतु संतोष बेनीवाल, इनकी माता जी हैं जो रिटायर्ड अध्यापिका भी रह चुकी हैं, और यहां से ये प्रधान पद हेतु और यहां से ये इलेक्शन लड़ रही हैं। प्रवीण जी, बहुत मुद्दे रहे हमारे जिंदगी के अंदर, जैसे कि जिन मुद्दों पे कोई भी अभी तक खड़ा नहीं उतरता। मुद्दे बहुत हैं, साफ सफाई है, बिजली है, निकासी है, इतने मुद्दे हैं शायद गिनती नहीं है। किन्हीं ने भी, जितने भी प्रधान पद हेतु आए अपने मुद्दों पे नहीं खड़े उतरे। प्रवीण जी ने, मैं प्रवीण जी के पास आया और प्रवीण जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो ये बहुत अच्छे इनके विचार लगे। आज मैं प्रवीण जी से पूछूंगा कि इन मुद्दों पे खरा कैसे उतरेंगे, अगर जो आप लोगों को सपोर्ट, आज सभी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज। सबसे पहले तो मेरा न्यूज 70 के सभी दर्शकों को प्यार भरी मेरी नमस्कार। और रही मुद्दों की बात, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हाथ कंगन को फारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप शहर का खुद निरीक्षण करते हो, घूम फिर के देखते हो कि शहर का क्या हाल है। मैं तो यही मानूंगा कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने अपना काम अपनी ईमानदारी से नहीं किया, और उसी का नतीजा ये है कि आज हमारे को बदहाली में रहना पड़ रहा है। मैं तो आपके माध्यम से, आपकी न्यूज के माध्यम से सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर मेरी माता श्री श्रीमती संतोष बेनीवाल जी को अगर ये मौका मिलता है तो मैं आप सबके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि भी आपको जो नगर परिषद की हाथ में जो काम आते हैं उसमें आपको किसी प्रकार की कोई कोताही नजर नहीं आएगी। क्योंकि पिछले 12 साल से आपने मुझे नगर परिषद में जो भेजने का काम किया, जो मुझे वहां से आप लोगों से शिक्षा दीक्षा मिली, काम के बारे में जानकारी मिली, उसका मैं अनुभव के तौर पे आपको कह सकता हूं कि मैं आपको जितनी परेशानियां हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं नगर परिषद के माध्यम से, जो जिसके आप अधिकारी हो वो आपको दिलवाने का काम करूंगा। बहुत अच्छी बात की इन्होंने सर, इनकी बातों से मुझे अच्छा लगा। एक बात और कहना चाहूंगा बेनीवाल साहब, हमारे जो जींद के अंदर आज दिक्कतों की बात है, सबसे पहले पशुओं की बात है। हमारे शहर के अंदर कितने पशु हैं, जबकि इनकी गौशाला बनाई है वहां तक इनको कभी कवरेज नहीं किया जाता। हमारे गलियों में हमें अजीब लगता है कि गौ माता होती है वो कागज खाती है, मोम जमे खाती है, कि कभी सरकार को यहां तक किसी को जूं तक नहीं जाएगी कि ऐसा गलत है ये। और उसके बाद सीवरेज व्यवस्था की बात करते हैं, जींद की सभी बिगड़ी हुई है। जहां भी जाएं जरा सी बारिश होती है, हमारे रानी तालाब पे देख लीजिए, शहर में देख लीजिए, पानी पानी हो जाता है, गोडों तक हमारा स्टेडियम भर जाता है। और उसके बाद बात करते हैं, अगर जो हमारे सिस्टम की बात करते हैं कि नहर से परली तरफ की बात करें तो वहां पर कोई भी विकास नहीं है। वहां भी कई वार्ड आते हैं, 10-11 वार्ड वहां भी आते हैं। वहां कभी किसी ने नहीं सोचा, किसी प्रधान ने नहीं सोचा कि जहां भी विकास कराया जाए, जबकि वो रेलवे स्टेशन है मेन, वहां पर भी बुरा हाल है। तो अगर जो आप यहां से बनते हैं सर, तो आप वहां के लिए भी क्या सोचेंगे, क्योंकि वहां कोई स्टेडियम नहीं है, कोई पार्क नहीं है उस साइड, किसी ने कभी सोचा नहीं है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला सवाल आपने किया कि गौ माता के बारे में आपने सवाल किया, तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देखिए, नगर परिषद की अधूरी क्या है। नगर परिषद के अंदर चेयरमैन सिर्फ इतना काम कर सकता है कि उसका टेंडर लगा सकता है कि उनको पकड़कर उचित स्थान पर भेजा जाए, और उसके लिए अगर नगर परिषद के पास कोई जमीन है उसके अंदर गौशाला खोली जाए, लेकिन उसकी देखरेख जो करती है वो सरकार का काम होता है, उसकी देखरेख करने के बारे में नगर परिषद का काम है वहां तक पहुंचाने का। तो मैं अगर मैं यह कामयाब होता हूं तो मेरा पहला उद्देश्य यही रहेगा कि गौ माता को लेके और उसको उचित स्थान में पहुंचाया जाए ताकि उसके खाने पीने की व्यवस्था उचित हो सके। दूसरा सवाल आपने किया पानी की निकासी के बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर परिषद की तरफ से पानी की निकासी जो है
वो उचित करवाने का प्रबंध करूंगा ताकि उससे जो होने वाले नुकसान है उनको बचाया जा सके। रही नहर से उधर की आपने जो बात की कि स्टेडियम के लिए और उसके लिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भी नगर परिषद की हदूद में जो भी काम आते हैं उसके लिए जो भी काम होगा उसके लिए आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए टाइम लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके अधिकारों के साथ कोई कुठाराघात नहीं होने दूंगा। जो नैतिक जिम्मेदारी होगी उसे भी आगे बढ़ चढ़कर मेरा और मेरा परिवार आपके लिए आपके साथ खड़ा होकर आपके काम करने का प्रयास करेगा। बहुत अच्छी बात की आपने सर, मैं 36 बिरादरियों को साथ लेके चलने वाले बैनीवाल साहब ने आज जो मेरे से इंटरव्यू लिया, मेरे ख्याल में अभी तक मैंने जितने इंटरव्यू लिए सबसे बढ़िया इंटरव्यू इनका रहा। इन्होंने दिल से बातें कही हैं और मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग भी इनका थोड़ा साथ दें और दिल से साथ दें, क्योंकि ये यहां से आप प्रधान पद के लिए चुने जाते हैं तो शायद हमारे जिले का विकास होगा। तो विकास इसलिए मैं सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि, और इसके बाद G70 की न्यूज की तरफ से धन्यवाद, बैनीवाल जी को धन्यवाद दूंगा और जब यहाँ से जीतते हैं तो आप मुझे एक बार जरूर बुलाना। जरूर, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं तो आपके माध्यम से, मैं सारे जितनी भी रिपब्लिक है मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका आभारी हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले मेरे हाथ सिर पे किसी लीडर का हाथ नहीं है, लेकिन मेरी जनता मेरी लीडर है। मेरे लीडर जो है वो पब्लिक है, पब्लिक ने मेरे सिर पर जो हाथ रखा, हम उम्र साथियों ने जो मेरी कमर पे हाथ रखा और यहाँ तक खड़ा करने का मुझे जो काम किया है, मैं तहे दिल से सदा सदा आप सबका आभारी रहूंगा, आपका धन्यवाद ही रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और News 70 के आपने जो मेरे से बात की, चर्चा की, उसके लिए भी मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। G70 न्यूज के साथ अनिल चौहान और मेरे भाई अमित जी, धन्यवाद सर।